السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुन फ़क़ीहन के सिलेबस में एक अहम सब्जेक्ट फ़िक़्हुस्सीरा, जिसका मफहूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपके ज़िंदगी के जो वाक़ियात हैं, उनको पढ़ना, समझना और उससे इबरत और नसीहत की बातें अख़ज़ करना, निकालना, इसका नाम है फ़िक़्हुस्सीरा। बहुत सारे वाक़ियात सीरत के किताबों में हम पढ़ते हैं, फ़लाँ वाक़िया, लेकिन उसको सिर्फ वाक़िया और किस्से और कहानी के एतबार से नहीं पढ़ना है कि फ़लाँ दौर में यह हुआ था, फ़लाँ दौर में यह हुआ था, फ़लाँ दौर में यह हुआ था, अल्लाह के नबी फ़लाँ मकाम पर थे तो ऐसा हुआ था, बल्कि उसको इसलिए पढ़ना ताकि उसको पढ़ करके हम उससे जो हमें नसीहत की बातें मिल सकती हैं उसको हासिल करें, निकालें। इसका नाम है फ़िक़्हुस्सीरा। इस सब्जेक्ट के तहत जो किताब हमको पढ़नी है वो किताब है तजल्लियात नबूवत। मशहूर राइटर सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह की ये किताब, सीरत निगारों में यानी जिन लोगों ने सीरत लिखी है उनमें ये सबसे बेहतरीन सीरत निगारों में से एक हैं, यानी अल्लाह के नबी की सीरत लिखने वालों में जो सबसे बेहतरीन राइटर हैं उनमें से एक ये भी हैं, जिनकी मशहूर किताब अर्रहीकुल मख्तूम तकरीबन दुनिया की हर जिंदा ज़बान में, लैंग्वेज में वो छप चुकी। सीरत निगारी के मुकाबले में जिसको पहला मकाम मिला था, पहली पोजीशन जिसको मिली थी, उन्हीं की ये किताब तजल्लियात नबूवत है। इस किताब की ख़ास बात ये है कि इसको तलबा को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, उनकी ज़रूरत के एतबार से मुरत्तब किया गया कि इससे ख़ास तौर से तलबा इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं, इल्म हासिल करें। और रहीकुल मख्तूम आप देखेंगे तो ज़रा सा ज़खीम है, मोटी है, और ये इख्तिसार है इसको, और उन्होंने मुख्तसर अंदाज में शार्ट करके लिखा है, तो गोया कि हम जैसे तलबा ही के लिए मुअल्लिफ ने इसे लिखा है। इसे हमें इंशाअल्लाह पढ़ना है, लेकिन इस किताब को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातें बतौर तमहीद या मुकद्दमा
आपकी खिदमत में रखना ज़रूरी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज करा दिया है, सेफ है वो। आपकी पैदाइश से लेकर के आपकी वफात तक किताबों में सब दर्ज है। पहला ये कि वो सब तहरीरी शक्ल में, राइटिंग में मौजूद है, किताब के शक्ल में। और दूसरी बात ये कि जो कुछ लिखा गया है उसमें भी तहकीक की गई है, सही और गलत की तमीज़ की गई है। जो वाक़यात सही नहीं उनको निकाला जा चुका है, जो सही है उन्हीं को लिया जाए, इतनी तहकीक। सवाल ये है कि क्या दूसरे और जो मज़ाहिब के रहनुमा हैं उनके यहाँ उनके रहनुमा की सीरत बायोग्राफी ऐसे ही मौजूद है? पहली बात कि उनके बारे में ऐसा ही लिखा हुआ मौजूद है कि कब पैदा हुए और फिर क्या हुआ क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी के वाक़यात मौजूद मिलेंगे? और अगर मौजूद मिलेंगे तो क्या इतना तहकीक शुदा है कि जो सही है वही? दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अगर आप गौर करेंगे, उनके रहनुमाओं के बारे में गौर करेंगे, तो सही एतबार से उनकी तारीख नहीं मिलती, उनके हालात ज़िंदगी, ज़िंदगी के वाक़यात महफूज नहीं मिलते। किसी के कम हैं, थोड़े बहुत हैं, या किसी के ऐसे हैं कि सिर्फ ज़िंदगी एक पहलू मिलेगा आपको, जंग 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 ही पे पूरा है उनका। किसी का एक दूसरा पहलू मिलेगा तो पहला पहलू गायब है। और बास तो ऐसे हैं जिनका मिलता ही नहीं सिरे से। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको जानना हो, अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम में उनकी सीरत को का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज कर दिया, वरना खुद उनकी किताबों में जाके देखे जाए तो उनकी ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर हिस्सा महफूज मिलता है, पैदाइश का मिलता है और आखिरी अय्याम का मिलता है, जब उनको सूली उली देने का जो वाकया लोगों ने गढ़ रखा है बस वही मिलता है। बाकी 33 साल ज़िंदगी उनकी कहाँ बसर हुई उसके बारे में कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे ही दीगर मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं, राम के बारे में लोग मानते हैं उनको, लेकिन उनकी भी अगर हालात ज़िंदगी आप देखेंगे तो नहीं मिल पाती, और मिलेगी भी तो इतना तहकीक शुदा और सही और गलत की तमीज़ किए हुए नहीं मिलती। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात किताबी शक्ल में और सही और गलत की तमीज़ के साथ मौजूद, और एक नहीं, मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर किताबें लिखी गई, लाखों की किताब। एक एक लाइब्रेरी में हज़ारों किताब सीरत पर होती है, हज़ारों किताब। अभी आगे इसी में शायद आप पढ़ेंगे, एक मौलिम एक आलम दीन है, उन्होंने लिखा है कि मेरी खुद ज़ाती लाइब्रेरी में 3000 किताबें हैं सीरत के मौजू पर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी महफूज कर दिया, कुरान की हिफाजत की, इसी तरीके से हदीस की हिफाजत की और सीरत की भी हिफाजत की। दूसरी चीज़ है, इंशाअल्लाह उस पर थोड़ा तफसील आपको आगे मिल जाएगी, सीरत नबी शामिल है और कामिल है, शामिल और कामिल। कामिल है, पहले कामिल समझिए कि ज़िंदगी के हर शोबे के लिए
अल्लाह के नबी ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी जो आपने जो ज़िंदगी बसर की है हर शोबे में आपके वाक़यात मिल जाते हैं, हर शोबे में। ऐसा नहीं है कि बचपन का मिला है तो जवानी के नहीं मिला, जवानी का मिला है तो बुढ़ापे को नहीं मिला, जंग का मिला है तो तालीम और तरबियत का नहीं मिल रहा है, जंग का मिल रहा है तो सुलह का नहीं मिल रहा वगैरह, ऐसा नहीं। पूरी ज़िंदगी शामिल है, महफूज है, इब्तिदा से लेकर एक ताजिर की हैसियत से भी मिल रहा है, जंगजू की हैसियत से भी मिल रहा है वगैरह वगैरह, पूरी ज़िंदगी महफूज है, मुकम्मल है। यानी अगर किसी को ज़िंदगी की किसी भी मरहले में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, अगर रहनुमाई लेना है नबी की ज़िंदगी से तो मिल जाएगी कामिल। और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी शामिल है, यानी समाज का हर इंसान, इंसान की जो अपनी पोजीशन होती है, हर इंसान चाहे कि हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से कोई नमूना मिल जाए तो इंशाअल्लाह नबी की सीरत में शामिल शमूलियत है सबके लिए। यानी नबी की ज़िंदगी में ज़िंदगी के हर शोबे की चीज़ें मौजूद हैं और सबके लिए मौजूद हैं, सब मौजूद हैं और सबके लिए मौजूद हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप बाप हैं तो फातिमा के बाप को देख लीजिए, शौहर हैं तो आयशा के शौहर को देख लीजिए, आप कायद हैं तो मदीना के कायद को देख लीजिए वगैरह वगैरह। हर उसमें जो है आप दाई हैं, आप इंसाफ करने बैठे हैं, काजी हैं, हर मामले में आपको वहाँ से रहनुमाई मिलती है, शामिल। तो नबी की सीरत कामिल भी और शामिल भी। वक्त ज़रा कम है इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो नबी की ज़िंदगी की जो हमारे सामने जो किताबें मौजूद है सीरत नबी, वो कामिल भी है और शामिल भी है। उसके बाद तीसरा है जिस पर हमें गुफ्तगू करना है बतौर तमहीद, सीरत नबी का मुताला हम क्यों करें, या ये कह लीजिए ये किताब हम क्यों पढ़ें। एक सवाल, सीरत नबी का मुताला हम क्यों करें, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या फ़ायदा मिल सकता है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, कभी इस पहलू भी सोचें। आप देखिए इस चीज़ कि अहमियत लोगों को नहीं मालूम है, समाज में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों ने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा तो नुकसान हो रहा है उनका। अगर आप इसके बाद की जो बातें हैं सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना बड़ा खसारा हो रहा है। तो मैंने चंद निकात इसके हवाले से नोट किए हैं पॉइंट कि सीरत नबी का मुताला हम क्यों करें या क्यों करना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इसका मुताला करेंगे, इसलिए नहीं कि सिलेबस में, बल्कि इसलिए कि ये करना है एक मुस्लिम के एतबार से, मुसलमान के एतबार से एक जिम्मेदारी बनती। पहली चीज़, पहला नुक्ता जो मैंने नोट किया है, अपने मोहसिन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जिसका आप पर एहसान हो उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ कोई बंदा थोड़ी सी हमारी मदद कर देता है, उसका एहसान हम पर आ जाता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है ये लोग, क्या करते हैं, औरों के साथ इनका मामला क्या है, यानी उसके बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हो जाती। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर है? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर है, बहुत बड़ा एहसान है।
जब आप पढ़ेंगे तो तब लगे हाँ बड़ा एहसान है। पहली चीज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके तवस्सुस से मेरे दीन इस्लाम दिया, बड़ी नेमत है, यहां भी काम है, इंशाल्लाह आखिरत में भी अल्लाह के नबी का एहसान रहेगा जब सिफारिश करेंगे। तो बहरहाल बहुत सारे एहसानात हैं, इसका कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। तो जिसका हमारे ऊपर इतना एहसान है, क्या उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना यह हम पर फर्ज नहीं बनता, या उसको नजरअंदाज कर देंगे? हम ही अगर किसी के साथ एहसान कर दें और सामने वाला हमें ऐसे नजरअंदाज कर दे, हमको कैसा लगेगा? तो इसलिए जरूरी है कि उनका एहसान हम पर है, इसलिए अपने मोहसिन के बारे में जानना पढ़ना जरूरी। नंबर एक। नंबर दो, इसलिए भी जरूरी है ताकि इस्लाम की अहमियत हमको मालूम, ताकि इस्लाम की अहमियत, दीन की अहमियत हमको मालूम। कैसे? एक चीज, हाँ जी, एक चीज हमको ऐसे मिल गई, हमने रख लिया, और दूसरी चीज ये है कि उसके पीछे कुर्बानियां हैं, परेशानियां हैं, और जिन लोगों ने हम तक पहुंचाया है बड़ी परेशानियां झेली हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी अहमियत है, तभी ना इतनी परेशानी झेल रहे हैं। आज दुनिया आजादी के जश्न मनाती और उसके लिए बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, आजादी की अहमियत, इतनी कुर्बानियां दी ताकि आजादी की अहमियत लोगों पर वाजे हो, गरचे हम आजाद ना हो। तो जिस बड़ी कुर्बानियों के बाद हम हासिल करें, बस उस नेमत का अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी कितनी अहमियत है। अब सीरत जब हम पढ़ते हैं तो सीरत हमें बतलाती है कि इतना आसानी से दीन इस्लाम हिंदुस्तान नहीं पहुंचा है, या मक्का से नहीं, इतना आसानी से नहीं निकल गया है, मक्का से निकल के मदीना फला फला जगह पहुंचा है। और अगर इसकी अहमियत नहीं थी तो इतना परेशानी झेलने की जरूरत क्या थी, छोड़ देते, क्यों परेशान हो, क्यों मार खाएं, क्यों घर से निकाले जाएं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, इसकी अहमियत है, इसलिए खुद भी अमल करना, दूसरों तक भी पहुंचाना है। अब ये नेमत हमको जो मिली है, हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए, और उसके समझने के लिए सीरत का मुताला कर लें। लोग आजादी की अहमियत को समझाने के लिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां याद कीजिए। इसलिए दीन इस्लाम की अहमियत को समझने के लिए भी सीरत का पढ़ना जरूरी है। सीरत का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम एक सच्चे और अच्छे दाई बन सकें, सच्चे और अच्छे दाई बन सकें। हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम दीन की तालीम लोगों तक पहुँचाएँ। सबसे पहला मरहला आता है कैसे पहुंचाएं, किनको पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है, पहला मरहला यही रहता है। लोग पूछते हैं ना कि पहले किस चीज की तालीम दें, किन से मिले तो क्या बात करें, नंबर एक। नंबर दो, जब हम दावत दें तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो भी देखें, अच्छा है तो फबिहा, और अगर रिएक्शन सही नहीं तो ऐसे मौके पर कभी हमारे कदम डगमगा जाते हैं। मसलन रिएक्शन की बात मैं करूं, अगर हमने दावत दी हमको मार दिया गया, थप्पड़ मार दिया गया, तो ये समझ में आता है कि ये दीन के रास्ते में हम कुर्बानी दे रहे हैं, और यहाँ हम जम जाते हैं, डरते नहीं ना। लेकिन हम दीन का काम करें और लोग ताना देने लगें,
मारे ना, रोजाना एक बार ताना दें, तो धीरे धीरे हिम्मत पस्त हो जाती है कभी कभी। जब हम सीरत पढ़ते हैं तो नबी की जिंदगी में एक दाई की क्या हैसियत है, वहां से पता चलता है कि कैसे दावत देना है, किनको दावत देना है। दावत देने के बाद जब रिएक्शन आएगा मुख्तलिफ किस्म का, तो फिर उस वक्त हमें कैसे उनके साथ तामुल करना है, उनके साथ मामला करना है, कैसे सब्र करना है, कौन लोग सबसे पहले मुखालिफ बनते हैं, ये सीरत हमें बताती है। और ये वाकई कि सबसे पहला मुखालिफ दावत का, दावत दीन का अगर कोई होता है तो गैर नहीं होता, घरों में से कोई होता है, जो बहुत करीबी होते हैं, बस औकात वालदेन भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे मौके पर आदमी घबरा जाता है, गैर का मुकाबला कर लेता, अपनों का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन जब सीरत पढ़ता है तो उसको वहां से मिलता है कि अल्लाह के नबी का सबसे पहला बड़ा मुखालिफ कौन था, घर का था, कौन? अबू लहब। सबसे पहले जब आपने ऐलान किया मक्का के लोगों को सफा पहाड़ी पे चढ़ करके कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तब्बल्लका या मुहम्मद, सबसे पहले नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की हो तो कौन है? आपके घर, आपके चचा जो आपसे मोहब्बत करता था। यानी नबी का गुस्ताख अव्वल अगर कोई है तो अबू लहब, उससे पहले सब अमीन व सादिक वाले थे। और जब घर से मुखालिफत हो जाती है तो गैरों की भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, वो हमें सीरत बदलाती है। और जब हम सीरत पढ़े रहते हैं और नबी की जिंदगी में देखे रहते हैं कि किस तरीके से आपने परेशानियां झेली हैं, तो फिर हमको सब्र करना आसान हो जाता है कि भाई जब नबी को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमारी क्या हैसियत है। इसलिए भी सीरत को पढ़ना जरूरी है। दाई बने बगैर सीरत पढ़े हुए ये मुमकिन ही नहीं कि सही दाई बन सके, उनका मनहज दुरुस्त नहीं हो सकता है। अगर सीरत नहीं पढ़े और दावत का काम कर रहे हैं तो उनका मनहज दुरुस्त नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दाई हैं, दावत देने के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सीरत का मुताला जरूरी है। तीन बातें हुई, पहला अपने मुहसिन के बारे में जानना जरूरी, नंबर दो इस्लाम की अहमियत को जानने के लिए सीरत का मुताला करना जरूरी, नंबर तीन दाई की हैसियत से सीरत का मुताला करना जरूरी है ताकि किसको दावत दें, कैसे दावत दें, और दावत देने के बाद जो रिएक्शन आए उसके साथ हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम सब्र कर सकते हैं, पहला हमारा मुखालिफ को, इस तरह की तमाम चीज़ों को जानने के लिए और दावत के मैदान में कामयाब होने के लिए सीरत का मुताला करना ज़रूरी है। चौथा नुक्ता है, इसलिए सीरत का मुताला करें ताकि नबी को अपना आइडियल बना सकें, नबी को अपना, जी नबी को अपना आइडियल बना सकें। अब देखिए कुरान करीम में क्या कहा गया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, नबी ही हमारे लिए बेहतरीन आइडियल हैं। अब अगर उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा आइडियल बना दिया है, इसका मतलब है कि हमको उनके जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए आमाल वगैरह में, है ना? लेकिन जब हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं तो कैसे उनको अपना आइडियल बनाएंगे। अगर नबी के बारे में हमको नहीं मालूम
तो उनको हम अपना आइडियल कैसे बना सकते हैं? आपको कहा जाए कि आप इस किताब में जो है उस तरीके से लिखिए, अब आपको पता है नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है, आपको पाबंद किया गया ना, ये नहीं कि अपने मन से नहीं लिखना है, इस किताब में जो उस एतबार से लिखना है, और आपने पढ़ा नहीं तो बगैर पढ़े इस किताब जैसा लिख सकते हैं? नहीं ना, पढ़ने के बाद भी लिखना मुश्किल हो सकता है, बगैर पढ़े दूर की बात। तो जो किताब हम पढ़े नहीं उस जैसे लिख नहीं सकते, तो जिस शख्सियत के बारे में हमने नहीं पढ़ा उस शख्सियत जैसा कैसे बन सकते हैं? अल्लाह के रसूल हमारे लिए आइडियल है, नमूना है ना, अल्लाह ने उनको बनाया है। हमारा नौजवान इधर उधर भाग रहा है, वजह उसे खुद अपने नबी के बारे में मालूमात नहीं है, उसने नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ लेगा उसके जहनो दिमाग में नबी जैसी शख्सियत कोई और हो ही नहीं सकती, और किसी और के पीछे वो चलना ही नहीं चाहेगा। बड़ी परेशानी है ना कि वो फला का फला के नक्शे कदम पे चल रहा है, वो फला की स्टाइल अपनाए हुए है, फला का ये है, फला का वो है, वो तमाम आप जानते हैं। उस बेचारे की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने नबी को नहीं पढ़ा, वरना वो नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। वो भी ऐसा नहीं कि दिल में नहीं चाहता कि मैं नबी जैसा बन जाऊं, वो चाहता है, लेकिन वो चूंकि पढ़ा नहीं है, और जिसके जैसा बन रहा है उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तब उसके पीछे भाग रहा है। अगर नबी को पढ़ने तो फिर नबी के पीछे भागेंगे वो। तो नमूना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तो अब उस नमूने को अपनाने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए हमें सीरत नबी का मुताला करना जरूरी, और अगर नहीं करेंगे तो हम नबी जैसा नहीं बन सकते, नबी अपना आइडियल सच्चा आइडियल नहीं बना सकते। यहां एक नुक्ता है, आइडियल किस माने में, किस फील्ड में, ये भी एक मामला है। आइडियल किस फील्ड में, एक बड़ा तबका है शुमूल, जो आपने कहा हम जहत शुमूल, बड़ा तबका ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ इबादत में नबी को आइडियल बनाता है, उसी की दावत देता है, उसी के लिए झगड़ता भी है। नमाज सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आइडियल बना रहा है, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी की नमाज थी, आइडियल बना रहा है, लेकिन सिर्फ नमाज में आइडियल बना रहा है, रोजे में आइडियल बना रहा है, हज में आइडियल बना रहा है, जकात में, जकात में भी ज्यादातर लोग नहीं बनाते, बकिया वो मस्जिद से जैसे निकले, मस्जिद से निकले तो अब उनका आइडियल कोई और हो जाता है, मार्केट में उनका आइडियल कोई और है, अब वो देखते हैं कि इस मार्केट में सबसे कामयाब ताजिर कौन है, हमको उसके जैसा बनना है, वो गलत कर रहा है सही कर उसे बहस नहीं, हमको उसके जैसा बनना है। सामाजिक तौर पर वो मस्जिद से निकलने के बाद समाज में किसी और को अपना आइडियल बना लेता है कि उसके तरीके से हमको रहना है, घर बनाने या ये करना वो करना, वो दूसरे एतबार से, नबी क्या है वो छोड़ दो। ऐसे ही तिजारत का हो गया, सियासत में भी उसका कोई अपना आइडियल होगा, ये मैं किताब सुन्नत वालों की बात कर रहा हूं कि आइडियल तो बनाया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इबादत में, क्यों, इबादत नबी की इबादत कैसी है उसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन और मामलात में सियासत है, मुआशरत है, तिजारत है, लेन देन है, शादी ब्याह है, वरासत है, तमाम मसाइल में वो नबी को आइडल नहीं बनाता, क्यों, जानकारी है ही नहीं, उसने नबी को समझा ही नहीं, इसलिए नबी को आइडियल बनाने के लिए भी सीरत नबी का मुताला करना जरूरी है।
एक नुक्ता है, इख्तलाफात को दूर करने के लिए सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है। उम्मत में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में उम्मत बटी हुई है, अगर इन इख्तलाफात को दूर करना है तो सीरत नबी का मुताला करें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। अबुल्कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा था, वो मुफस्सिर कुरान वो है, कि आपको कुरान कैसे समझ में आया, तो उनका जवाब था कि मैंने कुरान को सीरत नबी से समझा है, कुरान को सीरत नबी से समझा है, इसकी मदद से समझा। और यकीन जानिए जिन मामलात में इख्तलाफ हैं, अगर उस मामले को सामने रख करके सीरत का मुताला करें तो खुद ब खुद वो मसला हल होता चला जाता। एक मिसाल मैं सिर्फ लूँगा, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बहुत मशहूर मसला है। एक तबका है जिसका कहना है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, इमाम किरत करें तो खामोशी से सुनो। और दलील क्या देते हैं, वइदा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून। अब अगर कुरान की आयत सामने रखी जाए, उसका तर्जुमा आप देखें, तो यकीनन ये मफहूम निकलता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनना है, खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। याद करीमा, अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जब सीरत पढ़ते हैं तो सीरत में पता ये चलता है कि दरअसल ये आयत करीमा उन कुफार के जवाब में है जो कहा करते थे कि कुरान को ना सुनो, जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर करो, सुनो नहीं ताकि तुम गालिब आ जाओ। ये मक्का का मामला है, मक्का में ऐसा होता था, कुफार वहीं पर थे जो इस तरह का मामला किया करते थे। मदीना में इस तरह के मामलात ना के बराबर हैं कि कुरान सुनने से कोई मना कर रहा हो। कुफार जो है ये दूसरों को रोका करते थे और शोर करने की बातें करते थे, मदीना में शोर करने वाली बात नहीं थी। तो जब हम सीरत पढ़ते हैं तो सीरत हमें ये बतलाती है कि अरे ना, इस आयत करीमा का ताल्लुक तो नमाज बाजमात फ़र्ज होने से पहले की है। नमाज कब फ़र्ज हुई? नबुवत में, जब मेराज पे गए तब ना, उससे पहले भी नमाज थी लेकिन जमात साथ फ़र्ज थी नहीं थी, दो दो रकात पढ़ लिया करते थे। तो ये पहले की आयत करीमा है और एक आयत करीमा के जवाब में है कि कुफार इस तरह कहा करते थे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहादल क़ुरआन वलगौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिरों ने कहा कि कुरान को ना सुनो, शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। अल्लाह ने कहा वइदा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लह, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसके लिए तुम खामोश हो जाओ, उसको गौर से सुनो। वअनसितु, और एकदम खामोश हो जाओ। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब एक मसले का हल यहाँ सीरत से मिल जा रहा है, एक इख्तलाफ ख़त्म हो जा रहा है। तो सीरत नबी को इसलिए भी पढ़ा जाए ताकि इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है। और भी बात है, एक बात और करके मैं बात ख़त्म करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी अजमत को जानने के लिए भी सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है।
उससे पहले एक मिसाल, समाज में आप देखें कि किसकी बात लोग गौर से सुनते हैं और किसकी बात नहीं सुनते। खानदान वगैरह का बड़ा अहम रोल हुआ करता है, कौन किस खानदान का है, फला बोलने वाला किस कबीले का है, ये तमाम चीज़ें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक ऐसा शख्स को उस इलाके में उसका खानदान थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है तो वो बोलता है तो लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, अरे ऐसा है वैसा है, ये मजबूरी होगी वो मजबूरी होगी। लेकिन वही बात या गलत बात उसी समाज में कोई ऐसा शख्स बोले जिसका खानदान ज़रा आला माना जाता है तो लोग बड़े कायदे से कान लगा के फस्तमिउला करते हैं, गौर से सुनते हैं। असल क्या है, खानदान समाज ये एक मतलब हकीकत है। तो ये चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा लोग रद्द करने के लिए और दूसरी चीज़ें भी बयान करते हैं कि अरे इनकी कोई लालच होगी, इनको फला चीज़ चाहिए थी इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी दीन इस्लाम की जो तालीम है उसकी हक्कानियत को नहीं मानते, बल्कि वो दूसरी चीज़ें कि इनका ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे इनका अपना ज़ाती मकसद है। जब कोई ऐसी बात जिसके पीछे किसी का ज़ाती मकसद हमको दिख जाता है तो उस बात की अहमियत नहीं होती, उस बात की अहमियत नहीं होती। और जिसके पीछे ये समझ में आता है ना ये जो भी कर रहे हैं ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो उस बात की अहमियत बढ़ जाती है, हमारी निगाह में हमारे दिल में असरअंदाज हो जाती है, वो असर करती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं, ये है वो है, उसके खात्मे के लिए भी उसका जवाब देने के लिए भी नबी की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है, नबी की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है। क्या नबी का दिफा करना हम पर फ़र्ज़ नहीं है? नबी का दिफा करना हम पर फ़र्ज़ नहीं है? बोलिए, दिफा यानी आपके के खिलाफ जो बात लगाए जाते हैं उसका जवाब देना हमारा और आपका काम नहीं है? है ना? लेकिन कैसे जवाब देंगे? जब तक हम नबी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जवाब देंगे? यानी नबी की दिफा के लिए भी, नबी की अजमत को उजागर करने के लिए भी सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है। आज नबी पर जब इल्ज़ामात लगते हैं वो फला थे ऐसे थे वैसे थे, तो एक आम मुसलमान जिसने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है वो खामोश हो जाता है, सुन लेता है, और जब बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो वो समझने लगता है कि लगता है ऐसा ही है, तो बोलता नहीं समान से लेकिन वो भी सही मानने लगता है, इसलिए वो खामोश हो जाए। अगर हमारे बाप के बारे में कोई कुछ कहे और हमारा यकीन है कि नहीं वो ऐसे नहीं थे तब तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन कहीं पता चला हाँ कुछ गलती थी और बार बार लोग कह रहे हैं तो फिर हम नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। तो नबी के दिफा के लिए भी नबी की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है। उसमें ये भी आएगा कैसे दिफा करेंगे, लोग बहुत सारे एतबार से दिफा करने की कोशिश करते हैं, नबी का दिफा, नबी की इज्जत व आबरू की दिफा कैसे किया जाएगा ये सीरत नबी ही हमें मिल जाएगी। ये चंद बातें मैंने जिक्र की हैं, और भी बातें इसके अलावा भी हो सकती हैं। अभी एक बात ये है कि कुरान को समझने के लिए, कुरान की तफसीर करने के लिए सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है, ज़िमनन वो बात आई। तो बहरहाल इसलिए सीरत नबी का मुताला करना ज़रूरी है।